आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा सुख के अपडेट की बात करें तो मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने अतिथि विद्वानों को बड़ी राहत दी है। जी हां, उच्च शिक्षा विभाग ने अतिथि विद्वानों की परीक्षा में ड्यूटी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत स्नातक परीक्षाओं में अतिथि विद्वानों की अन्य महाविद्यालयों में परीक्षा ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इस संबंध में प्राचार्यों के अलावा सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों को भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। दरअसल इन दिनों मध्य प्रदेश के कॉलेजों में परीक्षाएं चल रही है और प्रायोगिक कक्षाएं एवं अन्य शैक्षणिक कार्य हो रहा है जिसे समय पर पूर्ण किया जाना है। वहीं अतिथि विद्वानों द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर की कक्षाएं भी संचालित की जा रही है। ऐसे में उनकी अन्य परीक्षाओं या कॉलेजों में ड्यूटी लगाने से काम में रुकावट या डिस्टर्बेंस हो सकता है। उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश देते हुए कहा है कि अतिथि विद्वानों को आंतरिक मूल्यांकन के अलावा फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, शिक्षुता, सामाजिक जुड़ाव और सेवा कार्य भी समय सीमा में पूरा करना है। ऐसे में परीक्षा ड्यूटी अन्य कॉलेजों में न लगाई जाए। परीक्षाओं के दौरान सरकारी और निजी कॉलेजों की अतिथि विद्वानों की परीक्षा ड्यूटी अन्य कॉलेजों में नहीं लगाने के निर्देश उच्च शिक्षा विभाग ने दिए हैं। तो ये था आप तक का अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।